मैनपुरी की लोकप्रिय सांसद को अपने भ्रमण के दौरान एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसको तत्काल उन्होंने पूर्व सदर विधायक के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब वह व्यक्ति खतरे से बाहर है। जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग में उपचार करा रहा यही वह व्यक्ति है जो थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरोतायना का रहने वाला है। बता दें कि यह व्यक्ति थाना औछा क्षेत्र के विनायकपुर रामबाग के पास घायल अवस्था में पड़ा था। इस दौरान जनपद की लोकप्रिय सांसद टिंपल यादव अपने काफिले के साथ औछा क्षेत्र से सैफई जा रही थी और उनकी नज़र जब इस घायल व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और घायल व्यक्ति का हाल जानने का प्रयास किया, लेकिन घायल व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था तो तत्काल उन्होंने पूर्व सदर विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव को निर्देशित किया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। सांसद डिंपल यादव के निर्देशन पर पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव और उनके साथियों की ओर से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों की ओर से उसका उपचार किया जा रहा है। पूरी घटना को लेकर सदर विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। क्या मामला था जो आप यहाँ मामला ये था, मैनपुरी की माननीय सांसद डिंपल यादव जी औछा से सैफई जा रही थी। रास्ते में नगला भंग के बाद गांव पड़ता है विनायकपुर रामबाग, तो वहाँ भीड़ लगी थी। एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था, माननीय सांसद जी ने उस व्यक्ति को उठवाया, मैं भी था, और एक गाड़ी अरेंज की और सीट भेजा। हमारा संदीप प्रधान, बांसी रंजीत यादव गिरोध, चार लड़के उनको लेके आए। रास्ते में जब बात की घायल मरीज से, उन्होंने कहा मैं मौला पुरोताना में रहता हूँ, तो मैंने अपने सत्र प्रभारी अजीत सक्सेना को फोन किया, मैंने भाई ये फोन है, खबर करो घर पे जल्दी। तो खबर की गई परिवार को, सांसद जी ने पूरी लगातार बात करती रही, हेल्प करनी है, आज भी हेल्प करनी है। मैं उनसे फोन गया कि वो सैफई जाना चाहते हैं, तो तुरंत फोन किया सैफई, फिर फोन गया कि नहीं वो ठीक हैं, कहीं आराम मिल गया। फिर मीडिया वाले आए, उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि सांसद जी आर्थिक सहायता दें, तो आर्थिक सहायता तब होती है, इलाज में एक पैसा लगा है ना, तब मेरे कार्यकर्ताओं दिया, उन्होंने कहा मैं सैफई इलाज कराऊँगी। आज जनपद में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह है, वो भी वहीं से निकले थे, क्या वो यहाँ आए? एक छोटे समाज का व्यक्ति है, नाई जात का है, ना हो जो भी हो, क्या वो आए यहाँ? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद जी को, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ऐसे ही काम करती रहेंगे, वो हमेशा सांसद रहेंगे। आप कल तो ठीक है, मैं अभी मिला हूँ, आप भी मिले हो उनसे, उनके बच्चों से मिले हो आप, परिवार खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है हमारी एमपी साहब।